उज्जैन मोहर्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। विश्व हिंदू परिषद की जिला मंत्री संदीप चौबे, जिला संयोजक बजरंग दल नारायण शर्मा व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर संयोजक भरत यादव के नेतृत्व में हिंदू समाज के लोगों द्वारा विरोध स्वरूप माता टेकरी के सामने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए पाकिस्तान के झंडे पर मुर्दाबाद लिखे बैनर को आग के हवाले किया। वहीं सड़क पर लोगों ने अपने वाहनों से रोंदा। इधर सयाजी द्वार के सामने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसे पैरों तले रोंदा गया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। राज्य में गर्मी की ताकतें बढ़ती जा रही है, इन्हें दबाने के लिए प्रशासन को चेतावनी के लिए आज हमने प्रदर्शन किया है। आगे अगर प्रशासन इनका ध्यान नहीं रखता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा और उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन और प्रशासन ही होगा। वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से अभी घटनाएं हो रही है पूरे मालवा स्मार्ट क्षेत्र में, उसको संज्ञान में लेते हुए जो उज्जैन में घटना हुई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे उसके विरोध स्वरूप बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजन रखा था, ताकि जितने भी विधर्मी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं वो सुधर जाए। मैं समाज से भी अपील करूँगा कि जो इस प्रकार के पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते हैं उनका बहिष्कार स्वयं मुस्लिम समाज करे, ताकि उनमें सुधार आए और ये जो विचारधारा की इस प्रकार की जो नैमनस्यता आ रही है उसको कम करने की कोशिश करें। इसके बाद जिस प्रकार से समाज के अंदर अभी प्रतिकार की भावना आ रही है और जो गलत चीज़ है उसके लिए हिंदू समाज भी जाग रहा है, मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि वो किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति को टालने की कोशिश करें और अपने कानून का पालन दोनों धर्मों के लिए समानता के साथ करें। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।